आज जून 11 गुरुवार है। पिछले दिन साकी माया को घर में लेकर आई थी क्योंकि माया यूटा से मिलना चाहती थी। इसके बाद साकी उसे कहती है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी पर मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था असामुरा, और मैंने माया को बता दिया है कि हम सिबलिंग्स है। उसने शायद तुम्हें तब देखा होगा जब तुम टेनिस सेशन के टाइम मेरे पास आए थे या जब तुमने मुझे अपना छाता दिया था। यूटा कहता है, सॉरी ये मेरी गलती है। साकी पूछती है, क्या हम अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? ये सब याद करके यूटा बेड पर से उठता है। आज के दिन ये चारों एक साथ ब्रेकफास्ट खाते हैं और खाते टाइम अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करते हैं। ताईजी के ऑफिस जाने के बाद यूटा बर्तन धोने में मदद करता है और कहता है, इस हफ्ते कपड़े धोने की पारी मेरी है। आकी को कहती है, अगर तुम चाहो तो कपड़े धोने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी यूटा। यूटा कहता है, नहीं आपको लॉन्ड्री का डेलिकेट नेट यूज करना नहीं आएगा, मैं ये कर लूंगा। आज भी वो स्कूल के लिए अकेला जा रहा था। साकी उसे कहती है, चलो साथ मिलकर चले। रास्ते में साकी उसे कहती है, तुम्हें मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने कपड़े धो लूंगी। यूटा इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहता नहीं है। साकी उसे कहती है, तुम्हारे आईब्रोज पूरा परफेक्ट शेप में है, शायद तुम उनकी केयर करते हो सालोन या पार्लर वगैरह जाके। पर यूटा कहता है, नहीं ये बिल्कुल नेचुरल है। साकी कहती है, क्या सच में? मुझे पता नहीं था। यूटा कहता है, मैंने बुरा नहीं माना। साकी कहती है, पर मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, इसीलिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। यूटा कहता है, क्या तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता है? कुछ गलती करने के बाद जब तुम कहते हो कि मैंने गलत कर दिया, उसे रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल कहा जाता है। तुम्हें अपनी नजरिया बदलने की जरूरत है। यूटा ने एक्चुअली ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि साकी अक्सर कुछ गलत करने के या गलत कहने के बाद ही ये कहती है कि मैंने गलत किया है। यूटा कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, तुम अपने रिफ्लेक्सिव एक्शन से सीख के खुद को इम्प्रूव कर सकती हो। साकी ये सब सुनकर धीरे से कहती है, असामुरा तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। स्कूल से वापस आने के बाद यूटा अपने घर में आता है। वो साकी के कमरे में देखता है कि उसके कपड़े सूख रहे हैं। अचानक वो साकी को देखकर चौंक जाता है और तुरंत पार्ट टाइम काम के लिए चला जाता है। साकी उसे मैसेज में कहती है, तुमने ये देख लिया है ना। घर में साकी यूटा की पूरी ट्यूशन लेती है। वो उसे कहती है, तुम उन अंडरवेयर्स को देखकर पूरा एक्साइटेड हो गए थे है ना, इसीलिए तुम वहाँ से भाग गए, क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे तुम कुछ चुराने वाले थे। वो उसे हॉट चॉकलेट देखकर कहती है, मेरे अंडरवेयर से अट्रैक्ट होना भी एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है ना, मुझे लगता है तुम भी अपने इन रिफ्लेक्सिव एक्शन से कुछ सीख पाओगे। यूटा कहता है, मैं समझ गया। साकी कहती है, यानी तुम मानते हो कि तुम मेरे अंडरवेयर से अट्रैक्ट हो गए थे। यूटा कहता है, मैंने ना तो नहीं कहा है, पर क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? साकी पूछती है, मेरे अंडरवेयर्स को लेकर तुम्हारे मन में कुछ डिजायर चल रहा था ना? यूटा कहता है, वेल सच कहूँ तो अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा कोई डिजायर नहीं था तो ये झूठ होगा, पर मैं कुछ करने वाला नहीं था। साकी कहती है, तो तुम्हारा डिजायर था। यूटा कहता है, डिजायर रखना और उनके चलते कुछ करना अलग बात होती है, आई एम सॉरी। साकी कहती है, तो ठीक है इसे छोड़ो, मैंने अपना डिनर कर लिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। यूटा कहता है, ठीक है गुड नाइट। 12 जून शुक्रवार का दिन, यूटा टेनिस सेशन के दौरान साकी को उदास बैठी हुई देखता है। माया आकर यूटा से पूछती है, क्या साकी के साथ कुछ हुआ है? वो आज सुबह से ही ऐसी है। टेनिस के बाद यूटा साकी को मैसेज में पूछता है, आज तुम पूरा उदास लग रही थी, क्या कुछ हुआ है? इसके बाद जब यूटा अपने पार्ट टाइम जॉब में था तब साकी मैसेज में कहती है, कुछ नहीं हुआ है। रात को डिनर करते वक्त यूटा साकी से कहता है, मुझे आज भी कोई हाई पेमेंट वाला पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला। साकी कहती है, ठीक है मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये जल्दी मिल पाएगा। यूटा कहता है,
अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो जरूर बोलना। रात को नहाने के बाद साकी खुद को बहुत सुंदर रूप से सजाती है और यूटा के रूम के सामने आती है। इस टाइम पावर कट हो जाती है। वह अपने कपड़े उतार कर यूटा के बेड पर आती है, जो देखकर यूटा पूरा हैरान था। साकी कहती है, मेरा शरीर, क्या तुम इसे खरीदोगे नहीं? अभी ये क्या हो रहा है, ये हमें बताने के लिए डायरी रील के जरिए 7 जून के 13 जून तक घटनाओं को साकी एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। 7 जून रविवार, जब मैंने कहा कि मुझे रिलीफ मिला, एक्चुअली मुझे सच में रिलीफ मिला कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, इसके साथ वो दयालु था। नहाने के बाद उसने मेरे लिए गर्म पानी रखा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सुइसाइड का एक स्टूडेंट होगा। जून 8 सोमवार, असामुरा ने स्कूल में मुझे बुलाया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरे बारे में फैले उन रूमर्स पर यकीन कर लिया, पर मुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ। मैं गुस्से में थी, पर वो ही वो पहला इंसान है जो मेरे साथ एडजस्ट कर पाता है। जून 9 मंगलवार, आज से मैं असामुरा के लिए खाना बनाने वाली हूँ और वो मेरे लिए एक हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब ढूंढने वाला है, पर उसने कहा कि उसे ऐसा जॉब नहीं मिला। मुझे पता है ये मुश्किल है। जून 10 बुधवार, असामुरा ने इस दिन अयासे को एक्सीडेंट से बचाया था। वो बहुत शर्मिंदा थी। इस दिन माया इनके घर आई थी। जून 11 गुरुवार, असामुरा ने ये मान लिया था कि उसके मन में कुछ डिजायर था, पर उसने ये भी कहा कि उसके जैसा एक्ट करना एक अलग बात है। साकी कहती है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। असामुरा बहुत खतरनाक है, वो मुझे अच्छे से समझता है, उस टाइप का इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अभी असामुरा उसे कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने रूप को पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करोगी? अगर तुम अपने बातों से उलट काम करोगी तो इसका क्या मतलब रहेगा? साकी कहती है, मेरे पापा एक दयालु इंसान थे, पर अपने कंपनी को खोने के बाद उन्होंने लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। मेरी माँ ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और बहुत मेहनत से मुझे बड़ा किया है, इसलिए मेरे पापा जेलस थे। माँ से उन्होंने कहा कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को रात भर करने वाले काम पर निर्भर करना चाहिए, अपने वैल्यूज को नीचे गिरा के गेस्ट्स को एंटरटेन करना चाहिए। उन्हें माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सुनकर यूटा कहता है, मेरे पापा माँ के चीटिंग के वजह से अफेक्ट हुए थे, फिर वो गायनोफोबिया का शिकार हो गए। कुछ समय के लिए हम सब एक जैसे हैं, खराब पार्ट्स में भी हमें ये सब सहना पड़ेगा बड़े भाई और छोटी बहन के हिसाब से। हाँ, अगर तुम मुझे बड़े भाई बुलाओगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। साकी थोड़ा हंसती है और अपने रूम में चली जाती है। जून 13 शनिवार को ये चारों एक साथ ब्रेकफास्ट खाते है। साकी मन में कहती है, असामुरा बहुत कंसिडरेट है, इसीलिए मैं उसे कभी बड़ा भाई नहीं बुला पाऊंगी। अगर मैं उसे ये बुलाना शुरू कर दूंगी तो वो मुझे और भी ज्यादा स्पॉइल कर देगा। जब मैं उसे असामुरा बुलाती हूँ, मेरे दिल में अलग इमोशंस और फीलिंग्स उठने लगते हैं, जो उसे भाई बुलाने से अलग है। मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं असामुरा के प्रति कॉन्शियस हो रही हूँ। अगर मुझ में ये फीलिंग्स ऐसे चलता रहेगा तो मैं इंडिपेंडेंट कैसे बनूंगी?